Assalamu alaikum. How are you all, friends? You all are warmly welcome to our cooking channel, Sensational Food. In today's video, learn how to make perfect dosas at home with homemade dosa batter. This popular breakfast item is not only healthy but also easy to prepare. So let's start to make the perfect and crispy dosa. So dosa banane ke liye hum le rahe hain 1/2 cup urad dal. और सेम 1/2 कप ही हम ले रहे हैं बासमती राइस या डोसा या इडली राइस ले लें आप। इन दोनों को 12 घंटे के लिए हम अच्छी तरह से भिगो के रख देंगे और 12 घंटे बाद देखिए अच्छी तरह ये भीग चुका है। अब हम इसको एक मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने के लिए डाल देंगे और 1/2 कप डालेंगे वाटर और इसको अच्छी तरह से फूड प्रोसेसर में ग्राइंड कर लेंगे। हमें इतना ग्राइंड करना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे और ये ज़्यादा मोटा ना रहे, बिल्कुल बारीक पिस जाए, देखिए इस तरह से। बस अब हम इसको एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब इस बैटर को हम 12 से 24 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर फर्मेंटेशन होने के लिए रख देंगे। ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे ये हिले ना बिल्कुल भी। और अब इस बैटर को हम नेक्स्ट डे चेक करेंगे। देखिए नेक्स्ट डे 15 आवर्स गुजर चुके हैं इसको और कितनी अच्छी तरह से इसका फर्मेंटेशन हुआ है। अब बस इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा डोसा बैटर बनके तैयार हुआ है। बैटर जितना अच्छा होगा रिज़ल्ट उतना ही अच्छा डोसे का आएगा, उतना ही क्रिस्पी, उतना ही टेस्टी डोसा बनेगा। और अब ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट टू टेस्ट और 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे यहाँ पे फेनुग्रीक पाउडर। आप फेनुग्रीक सीड पहले भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दाल और राइस के साथ भिगो दें फिर उसके साथ पीस लें। ये देखिए डोसा बैटर बनके बिल्कुल तैयार है। डोसा बनाने के लिए मैं बड़ा सा तवा यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, आप नॉनस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से हीट कर लेना है, फिर गैस को हमें सिम कर देना है। फिर इस पर कुछ बूंदें हमें ऑयल की डालनी है और टिश्यू पेपर से इसको चारों तरफ हमें ग्रीस कर देना है। और अब बैटर को एक बड़े स्पून में लेना है और तवे के बिल्कुल सेंटर में डालना है इस बैटर को और इसको राउंड राउंड एक ही डायरेक्शन में हमें घुमाते रहना है, चेंज नहीं करना है डायरेक्शन, हमें राइट की तरफ राउंड राउंड घुमाना है। और अगर बीच में ये मोटा कुछ रह जाता है तो सेम डायरेक्शन में हम दोबारा स्पून को घुमाएंगे और 1-2 मिनट तक सिकने देंगे इसको। जब 1-2 मिनट हो जाएंगे तो देखिए ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर और फिर से सिकने देंगे जब तक ये गोल्डन लाइन्स ना आ जाएँ। ये देखिए इस तरह से, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से सिक चुका है। अब इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से हम धीरे धीरे करके इसको निकालेंगे नीचे से, टूटना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत क्रिस्पी डोसा बना है। तो देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे पहले इसको और फिर इस तरह से फोल्ड करना शुरू कर देंगे। मैंने ये प्लेन डोसा बनाया है, आप चाहें तो इसको आलू से फिलिंग कर सकते हैं अंदर, चाहे तो पनीर से फिलिंग कर सकते हैं। और ये प्लेन डोसा भी बहुत टेस्टी बनता है, सांभर और चटनी के साथ खाएँ। ये देखिए सेम मेथड से हम बाकी और डोसे भी बना लेंगे जो कि मैंने आपको बताया। देखिए इस तरह से राउंड राउंड बस घुमाते जाना है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है और कोई इसमें झंझट नहीं है। ये देखिए ये गोल्डन लाइन आ चुकी है, बस अब हमें ऑयल लगाना है, इसको ग्रीस करना है चारों तरफ से और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको फोल्ड करके निकाल लेना है। आप ये देखिए डोसा, प्लेन डोसा कितना क्रिस्पी बना है। ये देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी डोसे बन रहे हैं। बस ये सारे इसी तरह से हम बना लेंगे और ये क्रिस्पी से डोसे बिल्कुल बनके तैयार हैं। गर्म गर्म सर्व करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इंजॉय करें और बताएं आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।